कर एक नया इतिहास रचाएंगे, पढ़ लिख कर इस देश को साक्षर बनाएंगे। कर एक नया इतिहास रचाएंगे, पढ़ लिख कर इस देश को साक्षर बनाएंगे। आओ खुद अपनी मेहनत से रोजी कमाएंगे, सबसे प्यारा हिंदुस्तान बनाएंगे, हिंदुस्तान बनाएंगे। आओ मिलकर एक नया इतिहास रचाएंगे, पढ़ लिख कर इस देश को साक्षर बनाएंगे। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में प्रेरक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। समुदाय के साथ शुरू से लेकर अंत तक उसको एक संपर्क बनाए रखना पड़ता है। इसी बीच प्रौढ़ शिक्षा के जरिए हल हो सकने वाली समस्याओं को भी समुदाय के लोगों के साथ मिलकर पता लगाता है और समय समय पर उनका हल निकालकर समुदाय की मदद भी करता है। इस फिल्म में प्रेरक के इसी काम को दिखाया गया है। आइए देखें कि प्रेरक अपने आप को अपने इस काम से कहां तक जोड़ पाता है और कहां पर भटक जाता है। आप इस बात पर चर्चा करें कि दिखाए गए किन ढंगों को आप अपनाएंगे और किन को नहीं। आप लोगों का कोनो तकलीफ हो वही के लिए हम हाजिर झगड़ा की कोनो बात तो है नहीं। अरे नहीं प्रधान जी से कह दो। हाँ राम राम प्रधान जी। राम राम भैया। कैसे आए? मेरा नाम प्रभु दयाल है। अच्छा अच्छा ऐसी बैठ जाओ के और प्रधान जी प्रेरक के पद पर मेरा चयन हुआ है। मैं आपके गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलाने के लिए आया हूँ। वाह ये तो बहुत नेक काम किया भैया। हाँ प्रधान जी एक चीज बताइए आपके गांव में कितने स्कूल हैं? स्कूल तो एक है वह बच्चों का कक्षा 5 तक। उमा मेरा ख्याल 40-50 बच्चे पढ़ते हैं। बस बस। और अस्पताल है? अस्पताल तो एको नहीं है। बैंक? हाँ बैंक तो अभी कुछ दिन पहले खुला। अच्छा अच्छा। अब प्रधान जी एक चीज और बताइए गाँव में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? अब पीने के पानी की व्यवस्था तो कहा है पंचो अब तो खुद ही आ गए हैं तो देख लियो। अच्छा लेकिन प्रधान जी हमें इसके अलावा आपके गांव के बारे में और बहुत सी जानकारियां चाहिए। बिल्कुल बताए लेकिन जितनी जानकारी हमारे पास है उतनी तो हम आपका बताए देव लेकिन यहीं से ऊपर चाहिए तो हम आपका ब्लॉक में ले चलो। अच्छा जहाँ BDO साहब और ADO साहब से आपकी मुलाकात करा दे सारी जानकारी आपका मिल जाएगी। अच्छा तो आप ऐसा करिए प्रधान जी कि अपने सारे गांव वालों से पूछ करके अगले हफ्ते एक मीटिंग बुला लें। बिल्कुल सही ताकि हम उसमें सारी बातों पर विचार कर लें। बहुत अच्छी बात कहो। तो कहे पंचो अगले सोमवार का रख लिया जाए कहा यही बैठक है तो कौन समय रखा जाए? अब समय आप इन लोगों से बात कर लीजिए और इनकी सुविधा अनुसार रख लीजिए। संध्या भैया ठीक है दिन भर कामकाज रहा थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो समय का ठीक रही तो ठीक है प्रधान जी हम चलते हैं। हम शाम को 6-7 के बीच आ जाएंगे। बहुत अच्छा 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 राम भैया राम राम। अच्छा क्यों बेटे क्या नाम है तुम्हारा? रमई। रमई क्या तुम रोज इस तालाब में नहाने आते हो? देखो बेटा इस तालाब में कितना गंदा पानी है इसमें नहाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। क्या तुम्हारे गांव में कुआं नहीं है नहाने के लिए? कुआं एक ही है। अच्छा। नहाने के लिए मना करते हैं
मेरे यहाँ नहाने आते हैं। मना करते हैं? अच्छा चलो बेटा हमको कुआं दिखाओ, हमें प्यास लगी पानी पीने। हाँ अरे अरे भैया ये कहाँ कर रहे हो? अब देखो तुम्हारे बदन का सारा गंदा पानी कुएं में जा रहा है। अरे साहेब यहाँ गांव में सब जने हैं इतना नहाते। अरे भैया पिए का पानी है, कहाँ गंदा कर रहे हो? नहाएगा तो नीचे बैठ के नहाया करो। कहा करी फिर? अरे किनारे बैठ के नहाओ ना। प्रेरक द्वारा पंचों लड़के और कुएं पर हुई बातचीत के ढंग पर चर्चा कीजिए। कमला जी नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम प्रभुदयाल है, मैं आपके गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलाने आया हूं। अच्छा एक बात बताने की मेहरबानी करेंगे आप, आपके स्कूल में कुल कितने बच्चे पढ़ते हैं? हमारे स्कूल में 40-45 बच्चे हैं। अच्छा 40-45, क्या गांव के सभी घरों के बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए? करीब करीब सभी घरों से बच्चे आते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि गांव के पूरे बच्चे आप आते होंगे पढ़ने के लिए। आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है कुछ घरों से ना आते हों। लेकिन क्या आपने इसका कारण जानने की कोशिश की है, ऐसा क्यों है? अब घर वाले मतलब माँ बाप नहीं पढ़े लिखे हैं, बच्चों को अपने काम पे लगा लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे आपको गांव वालों का पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है? सहयोग तो करीब पूरा पूरा मिलता है अगर उनसे कायदे से पेश आया जाए। हाँ तो ग्राम सेवक जी आपके गाँव में विकास का कार्य कैसा चल रहा है? अभी गाँव में विकास कार्य तो बड़ी उन्नति पे है। अच्छा अच्छा, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। आप गांव वालों को किस तरह सहयोग प्रदान करते हैं विकास के लिए? हाँ ये बात है, जैसे वो IRDP योजना जो चल रही है उसके अंतर्गत जितना ज्यादा ज्यादा गांव वालों को फायदा कराया जा सकता है वो उनको कराया जा रहा है। उन्नत बीज वगैरह दिलवा रहे हैं आप? हाँ उन्नत बीज जो है वो भी जब जिसको जरूरत पड़ती है तो उसको दिलवा देते हैं। उसके अलावा जैसे कुछ लोग पशुपालन करना चाहते हैं, सुअर है भैंसी है बैल वैल पालते हैं तो उसके लिए भी उनको जो है अनुदान वगैरह दिलवा दिया गया है। सरकार अनुदान तो देती है। हाँ बहुत खुशी हुई जानकर। अच्छा भैया नमस्कार। बच्चे किन वजहों से स्कूल नहीं जा पाते हैं इसकी सूची बनाइए। ग्राम सेवक से प्रेरक ने कौन सी जानकारी मांगी और क्यों? ग्राम सेवक के अलावा प्रेरक और किन कर्मचारियों से मिल सकते थे? Oh,
बात है बोलो ना। सीता बहन क्या बात है बोलो ना, मुझे बताओ तो सीता बहन, जब तक तुम बताओगे नहीं मुझे कैसे मालूम होगा, और मैं तब तक तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। बताओ ना, देखो डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। बोलो बोलो बहन। अब का बताए भैया, महाजन हमार झोपड़ी खाली करा ली, हमार खेत हड़प प्लीज, हमार घर वाले ने कर्ज लिया रहे, सूद बहुत हुई गवा रहे, अब का करें। क्यों सीता बहन, तुम्हारे मर्द ने महाजन से लिखत पढ़त नहीं की थी क्या? भैया अगर पढ़ा है हो तो हमारी गति काहे हो, महाजन अंगूठा लगवाई के हमका धोखा दे दी, तो ये बरस है जी में हमारे घर वाला चाहत रहा, न जाने कौन जन्म का बदला ले रहा है भगवान, ऊपर से दूध दे भी टीवा है, जी चाहते संख्या खाए के मर जाए। नहीं नहीं सीता बहन, ऐसा मत कहो, हम तुम्हें लेखपाल के पास ले चलेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो बड़े अधिकारियों से मिलेंगे, तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दिलवाएंगे। आओ बहन चलो हम लोग प्रधान जी के पास चलते हैं। चलो बेटे। सरकार जो बीज दीस रहा है वही बीज बनाए खिलाए दिए, उका खाए के लड़का सब उल्टी करने लगे। हो सुना परे सरकार, गजब कर दियो माइको। अब देखो पहली बात तो ही कि देवी प्रकोप कुछ नहीं होता है, तुमरे खेती करे में कोनो कमी रह गई होगी इसलिए फसल अच्छी नहीं भाई। अच्छा। और दूसरी बात ही, सरकार जो उन बीज तुमका बोवे के लिए दी इसे जाना तो, उस बीज की सुरक्षा के लिए उसमें दवाइयाँ मिलाई जाती। अच्छा। और ये दवाइयाँ बहुत जहरीली होती। अब भैया अगर पढ़े लिखे होते तो ये दशा थोड़ी ना होती अपनी, इसीलिए कहते पढ़े लिख लो। खैर जल्दी करो, देखो बच्चे जहर खा ली ना, चलो बैलगाड़ी जुटवाओ, चलो चलो। हाँ तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब लोगों का मालूम है कि हमारे प्रेरक भैया इस गांव में आप लोगों के पढ़ाई खातिर एक केंद्र खोले आए। अच्छा, समझो इसके अलावा आप लोग की का का जरूरतें हैं, वो जरूरतें कैसे पूरी हुई हैं वह का उपाय बताइए। किसी का कौनो दिक्कत हो, कौनो परेशानी हो, वो कैसे दूर की जा सकत है, वहू के बारे में हमारे प्रेरक भैया अभी आपसे कुछ बात करी है। तो प्रेरक भैया, भाइयों बहनों, राम राम। मैं भी आप लोगों की तरह आप लोगों के बीच का एक आदमी, आप में से बहुत से लोग तो मुझे जानते भी होंगे। मैंने पूरा गांव घूमकर देखा है, मैंने पाया कि आप लोगों की बहुत सी समस्याएं, हम और आप मिलकर इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अब देखे ना, इस गांव में सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। अब आप लोग जिस कुएं का पानी पीते हैं उसी कुएं की जगत पर बैठकर नहाते हैं और वहीं कपड़े धोते हैं, इससे सारा गंदा पानी पीने के पानी में मिल जाता है। इतना ही नहीं, आप लोग जिस बाल्टी से जानवरों को पानी पिलाते हैं उस बाल्टी को बिना साफ किए हुए उससे पीने का पानी भरते हैं। अब इससे क्या होता है कि गंदा पानी पीने से आप लोगों की सेहत खराब होती है, आप लोगों को नई नई बीमारियाँ होती हैं। अब अगर आप लोग आवें हमारे केंद्र पर और पढ़ें लिखें साक्षर बने तो आप सफाई का मतलब समझ सकेंगे। अब हमारे महकू भैया को देखो, ये बेचारे अनपढ़ हैं, इस साल इनकी पूरी खेती बर्बाद हो गई, अच्छी फसल नहीं हुई, साथ ही दोनों बेटे काल के शिकार हो गए। अब ये बेचारे अगर पढ़े लिखे होते तो बच्चों का इलाज सही तरीके से करवाते, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते, अच्छे अस्पताल में ले जाते, लेकिन नहीं कर पाए। अब देखो ना, ये हमारी सीता बहन है, अब अगर ये बिचारी पढ़ी लिखी होती तो इन्हें कोई बुद्धू नहीं बना सकता। भैया आज अगर हम पढ़े लिखे होते तो हमारी दुर्दशा ना होती, जमींदार हमार खेत मकान ना ही हड़प कर ले, हम अपनी बिटिया के साथ ही तरह ना ही परेशान हो रहे हो। लेकिन अभी भी वक्त है,
घबराने की कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ। आप सब लोग मेरे केंद्र पर आए, पढ़ें और लिखें, मैं आपको नई नई जानकारियाँ दूंगा। बैंक के मैनेजर को बुलवाऊंगा, उनसे आप लोगों की वार्ता करवाऊंगा, वहाँ से आपको किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं, किस चीज़ों के लिए अनुदान मिलता है, ऋण कैसे प्राप्त होता है, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। साथ ही समय समय पर अच्छी खेती करने वालों को, विशेषज्ञों को बुलवाकर उनसे भी वार्ता करवाऊंगा। आप जान सकेंगे कि आपकी खेती की पैदावार कैसे बढ़ सकती है, आपको उन्नत बीज कहाँ से प्राप्त होंगे, अच्छी खाद कहाँ से मिल सकेगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आए हम सब मिलकर एक साथ जुट जाएं। मैं वादा करता हूं कि अब आप लोग अंधकार में नहीं भटकेंगे, नया उजाला आपकी राह देख रहा है। ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का क्या मतलब था? जिस मतलब से मीटिंग बुलाई गई, क्या वह पूरा हो पाया? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों? यदि लोगों की जगह पर आप खुद होते तो प्रेरक के साथ आपका बर्ताव कैसा होगा? यदि आप खुद प्रेरक होते तो लोगों का विश्वास जीतने के लिए किस प्रकार का बर्ताव करते? प्रधान जी, भाई गांव में केंद्र चलाने के लिए कोई कमरा दिलवाइए ना। अरे प्रभु जी, अब आप तो जानते ही हैं कि आजकल हम कितना व्यस्त हैं। हाँ सो तो है, हमरे पास इतना टाइम नहीं ना कि हम आपका लई के गांव में घुमाई और कमरा दिलाई। आप तो खुदा ही सक्षम हो, आप गांव वालों से बात कर लो और आपका अगर यहाँ जगह है तो आपको जरूर मिली। नहीं नहीं प्रधान जी, ऐसा आप ना कहें, भाई बिना आपके सहयोग से कोई चीज संभव कैसे है? हाँ सहयोग हमारा लिया जाता रहा पहले, लेकिन अब तो समय बदल गवा प्रभु जी। काहे से आपका तो याद हुई कि ग्राम सभा भई रहा है, जब तब आओ उमा गांव वालों से कह रहा हो कि अब हम आए गए हैं सब हुई जाए। अरे जब आए गए हो आप है तो हमरी गांव में का जरूरत। प्रधान जी ये बात है, लगता आप बुरा मान गए उस बात का। बुरा माने की कोई बात नहीं। नहीं नहीं प्रधान जी, अगर फिर भी अगर आपको बुरा लगा है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा। नहीं, नहीं, हम यू बात नहीं कहा। अरे आप बड़े हो हमसे अब माफी, कैसी छोटी छोटी बात कर रहे हो आप, माफी कहनो बात नहीं, लेकिन हमरे दिल में भी थोड़ी चोट लाग गई भाई। बिना आपके सहयोग से कुछ संभव नहीं, आइए चलिए गाँव चलिए। अरे अब आप तो मजबूर कर दिए हो तो अब जरूर चलो आपके साथ। आइए चलो। अब देखिए ना दीदी, इस गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, पर समझ में नहीं आता है कि प्राथमिकता किसको दूं। देखिए ना, जैसे स्वास्थ्य की समस्या। आप ठीक कह रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्या को समझने से पहले हमें उसके कारणों को जानना पड़ेगा। आपको याद है ना उस दिन कैसे लोग कुएं पर नहा रहे थे, गंदे कपड़े धो रहे थे और वही गंदा पानी कुएं के अंदर जा रहा था, और जब वो पानी भरते हैं ना तब इस बात का भी ख्याल नहीं रखते कि उनके पैर की गंदगी कुएं के अंदर जा रही है। अब आप देखिए, आपको याद होगा कि उस दिन लोग कैसे गंदे तालाब में नहा रहे थे। हाँ हाँ याद आ गया दीदी, आप ठीक कह रही हैं, पीने का गंदा पानी और ये गंदगी ही गांव में बीमारी फैलने का कारण है। हाँ, स्वास्थ्य की समस्या को लेकर आप कई प्रकार की समस्याओं को एक साथ हल कर सकते हैं। उनको जब साफ पानी के महत्व का पता लग जाएगा तो वे स्वास्थ्य के प्रति स्वयं जागरूक हो जाएंगे। हाँ दीदी ठीक है, अब मैं इसी तरह गांव वालों को समझाऊंगा। हाँ, आपका अपनी बात समझाने का ढंग बहुत सरल होना चाहिए। याद है आपको उस दिन ग्राम सभा में आपने क्या कहा था? मैं आ गया हूँ, मैं सारी समस्याओं का हल कर दूंगा। जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? ग्राम प्रधान जी नाराज हो गए और उन्होंने अपना सहयोग देने से हाथ घसीट लिया। समुदाय की जानकारी लेने के लिए कुछ खास बातें याद रखें: भ्रमण करना और ध्यान से देखना, सवाल पूछना और उत्तर सुनना, लोगों के विचारों को आदर देना, खुद को बड़प्पन दर्शाने वाली बातें न कहना, लोगों को बोलने के लिए उत्साहित करना,
लोगों की मदद करना कि समस्याओं का हल खुद निकालें।